हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए जी, ऑडियो वीडियो आ रही है मेरी? हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दो यूनिट हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम आए हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट आज हम शुरू करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का है तो उनके लिए मैं बता दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की लाइव क्लासेस 25 जुलाई से चलने वाली है। मींस परसों से लाइव क्लास होने वाली है एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चों ने बैचेस परचेज किए हुए हैं तो टाइम से लाइव अटेंड कर लेना, और जिसने बैच परचेज नहीं किया है तो जाओ ऐप डाउनलोड करो और वहां से बैच परचेज करो और लाइव में जरूर जुड़िएगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे टाइम टेबल अपलोड हो चुका है, कब कौन सी लाइव क्लास होने वाली है वो आपको मालूम वहीं से चलेगा। चलिए, इट्स ऑलरेडी 6 PM, वे आर यू गॉन? है जी, यहीं पे ही है हम, डोंट वरी, आई एम हियर नाउ। चलो जी, फिर से स्टार्ट करते हैं। मेरा फ़ोन शायद हैंग कर रहा है या मेरी वीडियो हैंग कर रही है, एक सेकंड मुझे ही देखना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, चलिए ठीक है, ऑल डन, स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड की अब आज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आ जाओ सब बच्चे, स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैंग हो गया क्या? चलिए, आज ये ऐसे ओपन होने वाला है। लीजिए, आपके यूनिट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर। तो यूनिट थर्ड में आपके दो टॉपिक्स हैं, एक है आपका यूरिन सिस्टम और एक है आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये 5 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लंग्स वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ RAS इन किडनी। तो ये 5 क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछ रहे हैं तो कितना लिखना है, आगे पढ़ेंगे ही। पहले आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। नेक्स्ट है, अगर 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है डिफाइन RAS सिस्टम। नेक्स्ट, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो एक सेशन जब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो ऑल यूनिट्स की हम डायग्राम्स बनाने आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो एक लेक्चर हम रखेंगे कि सारे यूनिट्स के डायग्राम जल्दी जल्दी कैसे बनाएं। तो आप लोग तैयार हो उस चीज़ के लिए? तो जैसे ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं तो आपको मालूम है हमारी मैराथन क्लास होने वाली है। 2 अगस्त को मेरी मैराथन क्लास है, तो उसके लिए रेडी रहना। 2 अगस्त को मैराथन क्लास आपने ज्वाइन करनी है। ओके बच्चे, चलो। 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये 2 क्वेश्चन इस यूनिट से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक विद स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन्स। तो ये आपके थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो,
एग्जाम पास है। अगर आपने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर कर लिए ना 100%, अगर अच्छे से कवर किए, ये नहीं कि बस हवाबाजी में आपने बस याद कर लिया, अगले ही क्षण भूल गए और बस पेपर में जाके अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे आए, ऐसे नहीं चलने वाला। इनको जो बच्चे हमारे मास्टर कोर्स में ज्वाइन है, शायद वो पहले दिन से ही, आई होप पहले दिन से क्लासेस ले रहे हैं, और उनको सिर्फ रिवीजन करने का ये टाइम है। क्वेश्चन पढ़ लो, एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि उस ये क्वेश्चन उस जगह से लिया, मतलब उसका पार्ट है, उस टॉपिक का पार्ट है। बस ये रिवीजन का टाइम है, यहाँ ये टाइम नहीं है कि डायरेक्ट आए, कभी पूरे सेमेस्टर कुछ पढ़ाई नहीं करी, अब आए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, पढ़ लेंगे, बस पास हो जाएंगे। ज़्यादातर फार्मेसी में मुझे लगता है वही बच्चे हैं दिल से जो फार्मेसी कर रहे होंगे, सिर्फ 10% है। 100% उसे लिखवा लो, मात्र 10% बच्चे ऐसे हैं जो दिल से फार्मेसी कर रहे हैं, नहीं तो एग्जाम से दो दिन पहले वाले बच्चे। अब यूट्यूब पे 2000 व्यूज क्यों आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस पे 2000 बच्चे देख रहे हैं। अब भाई जब डेली लाइव क्लास चल रही थी, जब कहाँ थे, जब 100, 150, 200 बच्चे देख रहे थे, जब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए हो रहा था चैनल पे। लेकिन फ्री की वैल्यू सच्ची में नहीं होती बिल, इसलिए कोर्स के प्राइस रखने पड़ते हैं, इसलिए कोर्स बनाने पड़ते हैं। भाई खुद फाइनेंशियल मजबूत तो होना ही पड़ता है, ठीक है, हम ये चीज़ एग्री करते हैं, मानते हैं कि बीएसपी फार्मेसी पैसा कमा रहा है, लेकिन बीएसपी फार्मेसी पैसा कमाने के साथ साथ आपको उससे 3 गुना कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन अगर आप उसका यूज़ ही नहीं करोगे तो बीएसपी फार्मेसी भी आपके लिए बेकार है और अदर प्लेटफॉर्म भी बेकार है, क्योंकि आप फिर वो वाले बच्चे कहलाओगे कि कहीं फ्री का कुछ मिल जाए उठा लिया वहां से, हो गए पास, बस कहानी खत्म, चिल, बस पास वाले बच्चे हो आप लोग। अगर ये माइंडसेट बना के चल रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हो जाएगी, नहीं है पार, बस भैया फ्यूचर आपके हाथ में है, आपने जैसा बनाना है वैसा आपका फ्यूचर बनेगा। फिर बाद में रोना मत कि मुझे 8000 की नौकरी मिल गई, मुझे 10000 की नौकरी मिल गई, जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना आप लोग, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई वो टॉप करने वाले हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ, ये जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार ही कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं कि बस मैं ये लेक्चर पढ़ लूंगा और हो जाएगा काम, कहानी खत्म। देखो आपका भविष्य आपके हाथ में, हम लोग तो आप लोग को बता रहे हैं, ऊपर से हमारा भी फायदा हो रहा है, आप लोग को बता रहे हैं, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारा फायदा है इसमें, क्यों हम आपका क्यों सोचे हम आपके बारे में, आप लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, हम क्यों सोचे आपके बारे में। फिर बाद में रोते मत बैठना कि मैम सर मुझे तो 8000 की नौकरी मिली है, अब मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे चलूंगा आगे। अगर अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में हो, पूरा सेमेस्टर्स बाकी है अभी, तो अभी से मेंटेलिटी इस चीज की बना ली, निठल्लेपनों की बना ली है के सेमेस्टर्स में जाके तो याशी करनी है, मुझे गर्लफ्रेंड पटाना है, मुझे बॉयफ्रेंड पटाना है, बस इसमें लगे रहते होंगे पूरे सेमेस्टर्स में। फिर बाद में 4 दिन पहले एग्जाम के याद आ जाता है कि मेरा एग्जाम है, अभी वो भी क्लियर करना है, उसके लिए आ जाते हो वीडियोस देखने के लिए, सच्चाई बता रहे हो। चैनल अनसब्सक्राइब करना है बिल्कुल बेशक कर दो कि मैम ने तो आज पता नहीं क्या सुना दिया, लेकिन जो सच्चाई है उस पर बात कर। हम बहुत ज़्यादा सीरियसली, हम आप लोग के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसका रिस्पॉन्स 0% है, तो हमें क्यों दुख नहीं होगा। हम कहीं से अंतर्यामी तो है नहीं, ना ही हम कोई जादू मंत्र है, अपने दिमाग में घुसा के यहाँ टीप के ले आए आप लोग के लिए। भाई एक पढ़ाना भी कला होता है, आप लोग के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, के घंटे तक पहले पढ़ना खुद। अगर हम यहाँ पर बाय फेस आपके सामने हैं, अगर मुँह से कुछ गलत वर्ड भी निकल गया, क्योंकि हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, गलत कुछ भी पढ़ाया तो मतलब हम गलत टीचर है, इसलिए हर चीज़ सोच समझ के बोलनी पड़ती है, लेकिन उसका आपको कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं होता। यार कहाँ कहाँ का टॉपिक कहाँ पहुँचा दिया, चलो छोड़ो, आयो पढ़ने पढ़ो। क्या बात हो गई है, आइए। और आई होप हमारे सारे बच्चों ने आज की जो निकिता मैम की मैराथन क्लास हुई थी वो अटेंड करी होगी। कितने बच्चों ने मैराथन क्लास अटेंड करी है, एक बार यस लिख के बोल भेजेंगे मुझे, कितने बच्चों ने मैराथन क्लास अटेंड करी है।
जल्दी फास्ट यस एंड नो लिख के भेजेंगे। अजीत ने लाइव क्लास अटेंड करी है, नेहा ने करी है, और कौन है? यस, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या हो गया? हाँ जी, आज वाली मैराथन क्लास जो आज हुई थी वो कितने बच्चों ने अटेंड करी है? फरमान ने अटेंड करी है, कोमल प्रजापति, अतुल यादव, सबने अटेंड करी है। चलो मुद्दे पे आते हैं, हमारा काम है पढ़ाने का तो बस पढ़ा देते हैं, समझदार बाकी आप लोग है ही, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से चलते हो, अपने सेंस से चलते हो, बहुत अच्छी बात है। हमेशा दूसरों की बात सुनो लेकिन करो अपने मन की, लेकिन ऐसा मत करना कि माँ बाप की रेस्पेक्ट भी चली जाए, और ऐसा काम करना कि माँ बाप हमेशा ऊंचाई से आपको देखे, ठीक है? चलो आइए शुरू करते हैं हम अपना। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। वन बाय वन करके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। अब मैं यहाँ पूरा यूरिनरी सिस्टम पढ़ाते तो नहीं बैठने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिविजन क्लास है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कट टू कट बात होने वाली है। अब ये नहीं बताना मैम यूरिनरी सिस्टम क्या है, आधे बच्चे यहाँ यही वाले होंगे जिसे नहीं पता कि यूरिनरी सिस्टम क्या है। एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो यहाँ किडनी वही काम कर रही है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट कर रही है। नेक्स्ट हेलो हेलो हेलो, सो आ जाइए फिर से, हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी सो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। हेलो हेलो हेलो, चलिए स्टार्ट करूँ फिर से। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। जैसे हम घर पे अपनी चाय बनाते हैं, चाय में जो वेस्ट है मतलब चाय पत्ती, उसको निकाल छान के अलग कर देते हैं, और जो प्योर चीज़ है चाय उसको हम पी लेते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी वही प्रोसेस करती है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको रख लेती है, और जो बेकार चीज़ें हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो आपका यूरिनरी सिस्टम भी वही काम कर रहा है, तो उसमें किडनी परफॉर्म करती हैं, और किडनी बॉडी जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव आउट करती है। फिर रिमूव ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, जो आप मेडिसिन लेते हो 100% मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं होती आपकी बॉडी में, जितनी मेडिसिन की क्वांटिटी है उतनी एब्जॉर्ब नहीं होगी। कुछ जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होके बाकी वेस्ट को बाहर कर दिया जाता है, तो मेडिसिन को भी रिमूव आउट करती है। बैलेंस द बॉडीज फ्लूड, बॉडी फ्लूड को भी बैलेंस करती है। अब बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको भी बॉडी में बैलेंस करना ज़रूरी है, ज़्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा को निकाल दो बाहर, है ना? तो बॉडी फ्लूड को भी मेंटेन किया जाता है। रिलीज हार्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर,
हॉर्मोन्स को रिलीज करता है किडनी द्वारा, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और बॉडी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है, कुछ हॉर्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट प्रमोट स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स। प्रोड्यूस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि आपके है। भाई विटामिन डी किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए, आपकी बोन्स के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग, यहाँ आपकी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं किडनी के। कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी कंट्रोल किया जाता है थ्रू द किडनी। कोई प्रॉब्लम है किसी को, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक को एक्सप्लेन करना है। तो यूरिनरी ट्रैक इज द बॉडीज ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम रिमूविंग यूरिन विच इज मेड अप ऑफ वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूड। तो यूरिनरी ट्रैक क्या है भाई, यूरिनरी सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें किडनी भी आ रही है, यूरेटर भी आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भी आ रहा है। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि यूरिनरी ट्रैक क्या है, यूरिनरी ट्रैक का क्या फंक्शन है। तो यूरिनरी ट्रैक मतलब जो आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर एनस, उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो यूरिनरी ट्रैक एक तरीके से रास्ता है ना। तो यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक एक बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है जिससे बॉडी से यूरिन रिमूव आउट होता है। यस, बिल्कुल सही बात है, सही है। तो ये एक रास्ता है जिससे यूरिन पास आउट हो रहा है। फॉर नॉर्मल यूरिनेशन ऑफ अकर, कौन बच्चा फोन कर रहा है, फॉर नॉर्मल यूरिनेशन ऑफ अकर ऑल बॉडी पार्ट इन द यूरिनरी ट्रैक नीड्स टू वर्क टुगेदर एंड इन द करेक्ट ऑर्डर। फॉर नॉर्मल यूरिनेशन टू अकर ऑल बॉडी पार्ट्स इन द यूरिनरी ट्रैक, जो एक नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल जो आपकी बॉडी प्रोसेस है, जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है वो कैसे हो रही है भाई, यूरिनरी ट्रैक अगर नॉर्मली वर्क कर रहा है, जो उसका काम है यूरिन पास कराने का, नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो नॉर्मल आपके बॉडी फंक्शन भी वर्क करते रहेंगे। अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई डिसीज़ ज़रूर होगी। किडनी में स्टोन हो जाता है तो किडनी बहुत ज़्यादा पेन करती है, फिल्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या है, किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिसीजेज आप इनको मान सकते हैं। द यूरिनरी ट्रैक इंक्लूड टू किडनी, टू यूरेटर, अ ब्लैडर, अ यूरेथ्रा। तो ये यूरिनरी ट्रैक के पूरे पार्ट्स हैं। अगर आपने डायग्राम बनाना आता है तो आपको पता होगा यूरेटर क्या है, ब्लैडर क्या है, यूरेटर्स क्या है, यूरेथ्रा क्या है, किडनी क्या है। बनाए होंगे डायग्राम्स तो पता होगा। आगे चलूं, आगे चलते हैं, सेकंड थर्ड पे आ जाते हैं। व्हाट इज द आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन क्या है भाई। अब हम नॉर्मली सांस ले पा रहे हैं, रेस्पायरेशन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, लेना और छोड़ना रेस्पायरेशन कहलाता है, मतलब गैस एक्सचेंज प्रोसेस। तो यह आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में हम नॉर्मली सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें हम नॉर्मली नहीं कर पाते, इसलिए हमें कुछ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें बाहर से क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करवाते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और कुछ प्रोसेस भी होती है जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन हु हैज़ स्टॉप ब्रीथिंग बीइंग टू ब्रीथ अगेन यूजुअली बाय ब्लोइंग इनटू हिज और हर माउथ और नोज। तो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी पर्सन को जो सांस ले नहीं पा रहा है तो उसको सांस दिलाने की कोशिश की जाती है थ्रू
हेलो 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 एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन, आ जाइए बैक टू द वर्क। क्या करें, आप लोग की तरह हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से बार बार ये लाइट इशू हो जा रहा है। सो सॉरी फॉर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। हो, क्वेश्चन क्या था हमारा? आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, मतलब कोई पर्सन है जिसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा, बेहोश हो चुका है, सांस नहीं चल रही, तो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन उसे दिया जाता है। कोई पर्सन उसे माउथ से या फिर नोज से आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन देता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। इसमें एक प्रोसेस चल रही है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन की। पेशेंट को पहले बिल्कुल सीधा लिटाया जाता है, फिर उसके माउथ को ओपन किया जाता है, माउथ टू माउथ उसको सांस दी जाती है और उसकी चेस्ट पे इस तरीके से प्रेस किया जाता है बहुत जल्दी जल्दी, जिससे कि वो उसके जो लंग्स हैं वो थोड़े से ओपन हो और ब्रीथ करना स्टार्ट करें। तो ये होती है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिफाइन लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम डिफाइन करनी है, आ जाइए। लंग्स कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स अपॉन द मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पायरेशन। लंग्स कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको हम TLC बोलते हैं। लंग्स की कैपेसिटी कितनी है सांस लेने की या रेस्पायरेशन करने की, तो वो क्या है? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर की कितनी वॉल्यूम है अपॉन द मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पायरेशन। हमने भाई कितनी भी कोशिश कर लो, आप जितनी भी सांस ले रहे हैं, इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर कर रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम एयर का आपके लंग्स में प्रेजेंट है वो हमें बताना है। ओके, आ जाओ। अमंग यहाँ पे एक वॉल्यूम दी गई है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब, टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम दैट एंटर एंड लीव विद ईच ब्रिथ फ्रॉम नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन टू नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन। हम नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम में हम सांस अंदर ले रहे हैं और सांस अंदर छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है 0.5 लीटर और यहाँ एवरेज है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड अबाउट द टाइडल वॉल्यूम फ्रॉम नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन टू मैक्सिमम इंस्पायरेशन। 2.5 लीटर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ये कभी भी एक्सपायरेशन मतलब ये कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आती, इतनी वॉल्यूम लंग्स के अंदर रहती है। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? बात क्लियर हो रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरएएस इन किडनी। किडनी के अंदर आरएएस का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ आरएएस की फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो आरएएस एक सिस्टम है। पोसेस क्रूशियल फंक्शन इन द किडनी इज द करंट सिस्टम 6 कंपोनेंट एक्ट थ्रू रिसेप्टर्स। तो जो आरएएस सिस्टम है वो रिसेप्टर्स के बेस पर वर्क करता है। टू एंजाइम्स रेनिन एंड प्रोपियोनिन, प्रोपियोनिन कम्युनिकेट विद द रेनिन एंड प्रोरेनिन रिसेप्टर टू प्रोड्यूस 4 पेप्टाइड, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 1-7, एंजियोटेंसिन 3, एंजियोटेंसिन 4। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो है रेनिन और प्रोरेनिन। तो ये आपस में कम्युनिकेट करके कुछ रिसेप्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? 4 पेप्टाइड्स। इन रिसेप्टर्स ने 4 पेप्टाइड्स रिलीज करे। इन पेप्टाइड्स का नाम है एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 1-7, एंजियोटेंसिन 3, एंजियोटेंसिन 4। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, एंजियोटेंसिन 2 अल्टर ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेटिस, थस रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग फ्लूड बैलेंस। तो एक तरीके से आरएएस सिस्टम को आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है। अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर की क्वांटिटी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, उसको भी आरएएस सिस्टम मेंटेन करता है। कैसे? इन पर रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो रिसेप्टर इन्फॉर्म करते हैं और फिर आगे की प्रोसेस चलती है। ये रिसेप्टर बताते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाए। तो यहाँ आरएएस सिस्टम एक तरीके से आपके होम्योस्टेसिस सिस्टम पर काम कर रहा है। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, बॉडी फ्लूड को मेंटेन कर रहा है, और जो एंजियोटेंसिन 2 पेप्टाइड है वो ग्लोमेरुल, जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुल प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, तो एंजियोटेंसिन 2 ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन को अल्टर कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देता है, तो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है, उसको रोकने का काम करता है कि भाई रुक जाओ, ज़्यादा आप फिल्टर कर रहे हो, इतना फिल्टर नहीं करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन पर। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? यूरिनरी सिस्टम में भाई हम ये पढ़ रहे थे कि बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, वेस्ट मतलब यूरिन, लेकिन ये यूरिन बन कैसे रहा है? तो क्वेश्चन हमारा यही। तो यूरिन फॉर्मेशन इज 3 मेन स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप हैं। कौन कौन से हैं जी? पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो इन 3 प्रोसेस के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है। इट कंप्राइजेस 95% वाटर एंड 5% वेस्ट सच एज आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजेनियस वेस्ट सच एज कैरेटीन, यूरिया, अमोनिया। तो यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? तो यूरिन के अंदर 95% वाटर है और 5% सॉलिड। जो वेस्ट बताया गया है वो सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, यूरिया, कैरेटीन, नाइट्रोजेनियस वेस्ट, कैल्शियम, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो यूरिन किससे मिलकर के बना हुआ है? वाटर से और इन सारे कंपोनेंट से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन, भाई पहली प्रोसेस, पहला स्टेप हम देख रहे हैं। हमने कहा यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं।
पहला स्टेप देख लो क्या बोल रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। एक किडनी है, ये हम किडनी का डायग्राम बना लें, और इस किडनी के अंदर पाउचेस बने हुए रहते हैं। उस पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, और उस नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुल्स, जहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है। ये तो आपको मालूम है ना? तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यहीं पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बस स्टार्टिंग तो यहीं से ही होगी ना। जब ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है तो प्योर ब्लड को अलग और वेस्ट को अलग किया जा रहा है। तो पहला स्टेप कहाँ पे चालू हो रहा है? ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन पे। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुल्स वेयर ब्लड इज फिल्टर। तो ग्लोमेरुल्स क्या है? जहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। दिस प्रोसेस अकर अक्रॉस द थ्री लेयर द एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। इस ग्लोमेरुल के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? उस लेयर को हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुल ब्लड वेसल्स, यहीं पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स, और इन दो लेयर्स के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ग्लोमेरुल के ऊपर तीन तरीके की मेम्ब्रेन हो गई। एक तरीके की जहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, एंडोथीलियम लेयर पे ब्लड वेसल्स हैं, दोनों के बीच में बोमेन, एक एपिथीलियम सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर है एपिथीलियम, जहाँ बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है। फिर एंडोथीलियम लेयर है जहाँ पर ग्लोमेरुल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ एक और लेयर प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हो ग्लोमेरुल के ऊपर तीन लेयर प्रेजेंट है, बोल सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम, ब्लड इज फिल्टर इन सच अ वे दैट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा रीच द बोमेन कैप्सूल एक्सेप्ट प्रोटीन। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ब्लड इज फिल्टर इन सच अ वे दैट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा रीच बोमेन कैप्सूल। तो जो बोमेन कैप्सूल है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, वो सब कहाँ पहुँच रहा है? बोमेन कैप्सूल में पहुँच रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के। इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरी प्रोसेस चालू हो जाती है, यहाँ फिल्ट्रेशन चालू हो गया। अब दूसरी प्रोसेस, इससे आगे की प्रोसेस, रीएब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन में तो ब्लड फिल्टर हो चुका है, वेस्ट जो आना है वो आ रहा है। फिर अगला स्टेप है आपका रीएब्जॉर्प्शन। क्या है रीएब्जॉर्प्शन? अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट ऑब्टेन इज रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल। अब मैं यहाँ अगर नेफ्रॉन का डायग्राम बनाऊँ, आई होप तब आप अच्छे से समझोगे। चलो यहाँ पर हम बना लेते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम। तो कुछ इस तरीके का नेफ्रॉन का डायग्राम रहता है, जस्ट लाइक दिस। तो हम ऐसा रफली डायग्राम बना लेते हैं, तो बस आपको समझने लायक हो जाए बस। तो ये डायग्राम है नेफ्रॉन का बेटा जी। किसका? नेफ्रॉन। अब यहाँ नेफ्रॉन में क्या हो रहा है? अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत को नहीं पता है। तो जो आपकी किडनीज है, ये जो तो किडनी है, किडनी के अंदर जो पाउच बने हुए हैं बेटा, इस पाउच में ये नेफ्रॉन रहता है। हर एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये, इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन पार्ट। किससे लिख दूं? फिल्ट्रेशन। दूसरा पार्ट है ये,
इसको हम क्या बोलते हैं? अभी हम यहाँ लिख देते हैं, रीनल टिप्यूल्स। और तीसरा पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब इन तीन प्रोसेस से होके ही आपका ब्लड गुजरता है और यूरिन भी यहीं से ही पास आउट होता है, यहीं से निकलता है। तो पहली प्रोसेस हमने क्या देखी? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन इस वाले हिस्से में ही रहता है आपका ग्लोमेर। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये है ग्लोमेरूल। ग्लोमेरूल यहीं पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है। तो पहला स्टेप हमने क्या देखा? ग्लोमेरूल में फिल्ट्रेशन हुई, अब ब्लड फिल्टर होके आगे वाले पोर्शन में पहुंचा। भाई यहाँ तो चलो फिल्ट्रेशन हो गई, अब आगे पहुंचा रीनल टिब्यूल में। रीनल टिब्यूल में क्या होता है? यहाँ होता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। अब जो दूसरा स्टेप है, जो ये रीएब्जॉर्प्शन आया है, वो यहीं से ही आया है। ठीक है, यहीं से ही आया है। अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट ऑब्टेन इज रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल ये, तो 99% ऑफ क्या है? फिल्ट्रेट। अब आप बोलोगे मैम ये फिल्ट्रेट क्या है? तो जब आप चाय छानते हो तो जो ऊपर वो निकल जाता है वो क्या है? क्या है वो? और जो नीचे बच जाता है वो क्या है? कमेंट में बता दो अभी मुझे। तो यहाँ पर 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है रीनल टिब्यूल के द्वारा। दिस इज नोन एज रीअब्सॉर्प्शन। उसी को ही हम रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। दिस इज अचीव बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब आप बोलोगे मैम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव का मतलब जहाँ पर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनमें ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, मिलियंस बेटा लाखों हो गया ना, 1 मिलियन में 10 लाख। मैम मैं किडनी एंड नेफ्रोन दोनों का डायग्राम बना दो तो सही रहेगा। यहाँ पे नहीं बनाना, एक मैं अलग सेक्शन रखने वाली हूँ। पांचों यूनिट के डायग्राम एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद हम डायग्राम्स का भी सीख लेंगे। ठीक है, तो उस दिन आप लोग मेरे साथ साथ बनाओगे। वो सेशन कम्प्लीटली डायग्राम्स का ही रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना आपने समझ लिया, इससे आगे का पार्ट समझते हैं। आ जाओ जी, सिक्रेशन। अब हमने तीन पार्ट बनाए थे, एक तो ग्लोमेरूल, ग्लोमेरूल, दूसरा पार्ट बनाया हमने रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा पार्ट है हमारा सिक्रेशन। सिक्रेशंस। तो इन तीनों प्रोसेस, तीनों स्टेप से होके क्या बनता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो स्टेप तो आपने देख लिए। पहले स्टेप में फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन होने के बाद दूसरे स्टेप में 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो गया। मतलब रीअब्सॉर्ब का मतलब समझ में आता है? जो अच्छा प्योर प्रोडक्ट था उसको बॉडी में वापस भेज दिया गया, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया। ठीक है, आगे वेस्ट क्या जा रहा है? अपना यूरिन जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो सिक्रेशन में भी क्या जाएगा? यूरिन जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पर सिक्रेशन में नेक्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज टिब्यूलर सिक्रेशन। जो हमने कलेक्टिंग डक्ट बनाया है वो क्या है? टिब्यूलर सिक्रेशन। वहाँ पर यूरिन आगे की तरफ टिब्यूलर सिक्रेशन की तरफ पहुँचता है। टिब्यूलर सेल्स सिक्रेट सब्सटेंसेस
like hydrogen ions, potassium ions into filtrate through this process. The ionic acid base and balance of other body fluids are maintained. यहाँ next step में जो potassium ion है, hydrogen ions हैं, ये ions क्या होते हैं? अगर इनकी quantity ज़्यादा हो रही है तो urine के साथ इनको भी बाहर भेज दिया जाता है. अगर balance है तो ठीक है, लेकिन अगर quantity ज़्यादा है तो urine के साथ तुम भी जाओ बाहर. Okay, next step है आपका urine formation. तो urine collecting duct के through, okay, बाहर निकल जाता है. तो यूरिन का तो मैंने बता दिया 95% वाटर और 5% आपका इन सारे कंपोनेंट से मिलकर के यूरिन बनता है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. बोलो, बात क्लियर है? नहीं, कब होगी डायग्राम वाली क्लास? जैसे ही इम्पोर्टेंट क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद हम डायग्राम क्लास रखेंगे, ठीक है जी? चलिए, तो ये बाकी का आप समझ लीजिएगा इस तरीके से. ये है आपका एक नेफ्रॉन का डायग्राम और ये आपका कंप्लीट प्रोसेस, क्लोमेरूल, दूसरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल. इन प्रोसेस को आप पढ़ के ये डायग्राम आप बना लीजिएगा. इस तरीके का नेफ्रॉन का डायग्राम रहता है. ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, इस ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ यूरिन को कलेक्ट कर लिया जा रहा है. बस तीन पार्ट याद रखने हैं, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आओ आगे, पढ़ लोगे ये सब कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाले. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, डिफाइन आर ए एस सिस्टम. भाई आर ए एस सिस्टम मैंने थोड़ा सा वहाँ बताया था, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है, बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, बॉडी फ्लूड को मेंटेन कर रहा है. ये एक सिस्टम है जो कि आपके ब्लड लेवल, ब्लड प्रेशर कितना है, उन सबको मेंटेन करके रख रहा है. तो यहाँ एक लंबी राम कहानी लिखी हुई है. रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम, फुल फॉर्म क्या है इसकी? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक इज अ फिजियोलॉजिकल हार्मोन सिस्टम. ये एक फिजियोलॉजिकल हार्मोन सिस्टम है इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन. ये क्या है? इसके अंदर ये एक हार्मोन सिस्टम है और इसमें रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन. प्लाज्मा के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है इसके अंदर. मैम रात में 9 बजे तक रख दीजिए डायग्राम क्लास. नहीं, आज नहीं रख सकते हैं बेटा, आज नहीं रख पाएंगे. मैम पीसी की एक्सिस का तक कब तक आएगी मास्टर कोर्स में? पीसी की एक्सिस के लिए भी चल रहा है प्रोसेस, जब आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा. चलो, द मेंबर्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स आर. तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आर ए एस सिस्टम के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, तो ये सारे पार्ट्स इसके रहते हैं. तो ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? वस्कुलर एंडोथीलियम हैज एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिन ट्रांसफॉर्मिंग एंजाइम दैट सेपरेट टू अमाइनो एसिड्स एंड फॉर्म एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 एंड अदर टिश्यूज इन द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड हार्ट ऑल्सो फॉर्म एंजियोटेंसिन 2. तो एंजियोटेंसिन 2 बनता कैसे है? ये दो एंजाइम्स को, दो अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करके एंजियोटेंसिन 2 को बनाया जाता है. दो अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करके एंजियोटेंसिन 2 बनता है. फर्स्ट सेम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरजीपीवी. बेटा आरजीपीवी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अब आप कौन सी दुनिया में से पूछ रहे हो फर्स्ट सेम के, ये बताओ मुझे. चलो आगे आ जाओ.
फंक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या फंक्शन है? लिसन, बिल्ड रेजिस्टेंस वेसल्स हैंस इंक्रीजिंग आर्टियल प्रेशर एंड सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, स्टिमुलेट डिलीवरी ऑफ सोडियम एट डिफरेंट रेनल टिब्यूलर साइट्स एंड इंक्रीज द बॉडीज वाटर रिटेंशन, स्टिमुलेट द लाइब्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंक्रीज लिक्विड रिटेंशन बाय द किडनी। तो ये सिस्टम है, ये हार्मोनल सिस्टम है, तो हार्मोन है तो सिस्टम को कौन चला रहा है? आपका ब्रेन चला रहा है, और ब्रेन मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड आरएएस सिस्टम को ऑर्डर देता है, और आरएएस सिस्टम अपने रिसेप्टर्स के थ्रू उस पर एक्ट करता है। तो ये यहाँ रिसेप्टर्स कौन से हैं, कौन से हैं? रेनिन, जल्दी बताओ आप मुझे अगले ईयर के लिए। मैम, हे भगवान, अगले ईयर के लिए अभी से पूछ लो, अगले ईयर के लिए कोर्स में अपलोड है। मैंने फर्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन किया है, अगर बाय चांस फोन को कुछ हुआ तो क्या करें इन फ्यूचर? जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है वो नंबर इम्पोर्टेंट है, फ़ोन इम्पोर्टेंट नहीं है। वो नंबर आपके पास होना चाहिए जिससे आपने लॉगिन किया है, ठीक है? चलो आगे आते हैं, जस्ट अ सेकंड। ये पीछे वाला सिस्टम कहाँ है? ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की क्या मैकेनिज्म है? तो यहाँ हम एक चार्ट आपको दिखाते हैं, चार्ट के थ्रू आप समझ लीजिएगा। आगे एक चार्ट है, जस्ट अ सेकेंड। ये है पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। जितने पॉइंट्स हैं ये सारे आपने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन मतलब तो आपको मालूम है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेस्पायरेशन बोलते हैं। बात खत्म। अब रेस्पायरेशन का क्या मैकेनिज्म है, हमारे लंग्स में किस तरीके से रेस्पायरेशन हो रहा है? आ जाओ, द गैसियस एक्सचेंज अकर बाय द डिफ्यूजन इन द एल्वोलाई। इट डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज और एटमोस्फेरिक एयर एंड ब्लड। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ द एल्वोलस। तो यहाँ पर जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, कहाँ होती है बोलो? तो ये आपके लंग्स हैं, ये क्या है जी, ये है लंग्स। यहां लंग्स में क्या हो रहा है? दीज आर एल्वोलाई। लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई, एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, यहीं पर गैस एक्सचेंज प्रोसेस होती है। कहाँ पर? लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, आ जाओ यहाँ। ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कैरी टू द टिश्यू इन टू फॉर्म, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड प्लाज्मा। ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कैरी टू द टिश्यू इज टू फॉर्म। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स,
आइए। चलिए वापस, मुझे लगा बाहर लड़ाई हो गई है, बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग कहाँ पे थे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे थे हम लोग। तो यहाँ क्या होने वाला है? ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कैरीड टू द टिश्यू इन टू फॉर्म। जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक दो फॉर्म में फॉरवर्ड करा जाता है, दो फॉर्म में दिया जाता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ब्लड के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको मालूम है ये क्या है, ब्लड। और ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन, ये है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है और दिस इज द कलर पिगमेंट। हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी आरबीसी में। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और ऑक्सी, ये जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? बोलो जल्दी, थोड़ा सा मैं ये दिखा दूँ तो आप इनको खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे चलो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाई फॉर्म टिश्यू टू लंग्स। टिश्यू से लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से लंग्स तक कैसे जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय थ्री मैकेनिज्म। तीन मैकेनिज्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक भेजा जा रहा है। क्यों भाई? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए उसको बॉडी से बाहर करना है। सम कार्बन डाई डिजोल्व इन द वॉटर टू प्लाज्मा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व हो जाती है और क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड बना लेती है। तो इनको इजी, सारे पॉइंट इजी, आप पढ़ लीजिएगा इनको सब, ठीक है। आ जाओ, ये बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं, इनको मैं नहीं बताने वाली, खुद आपको कंप्लीट करना है इनको पढ़ के। लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। और जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं एक बार आप उनको ज़रूर देख लो। पीछे चले, 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखो। ये हमारा क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आ जाओ जी, तो ये है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, जितना आपको आता है सब लिख देना है इस क्वेश्चन में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, एक तो ये है, डिफाइन एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक विद स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। पूरा कंप्लीट, आपसे किडनी यूरिनरी सिस्टम के बारे में जितना कुछ जानते हो 10 नंबर में सब लिख दो। तो यहाँ पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप ले सकते हैं। लुक, जितना भी आपसे बनता हो, जितना आपको मालूम है यूरिनरी सिस्टम के बारे में सब लिख देना है। और जो बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ उनको मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब वाले बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, पेन किलर बैच ज्वाइन कर लो, सबसे सस्ता बैच है, तो उसमें सारी जितनी भी यूनिट्स हो रही हैं सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सारे पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप ये परचेज कर सकते हैं कोर्स पेन किलर बैच सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मैराथन क्लासेस होंगी उनकी भी पीडीएफ मिलेगी। पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास की वीडियो भी मिलेगी, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज काफ़ी मैंने आधा आधा करके पढ़ाया है, आधा ही आपके लिए सफिशियंट है, ये आपको खुद से पढ़ना है, ओके। सो चलो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे ऑफ, मिलेंगे आपको कल के लेक्चर में। कल करेंगे हम 4th यूनिट कवर।